दोस्तों हम सब एक्सेल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक्सेल में पेज सेटअप एंड प्रिंट के ये सेटिंग्स शायद बहुत कम यूजर ही जानते होंगे। जैसे कि आपका डेटा बहुत बड़ा है, उसको एक पेज में ही सेट करना है, फ्रंट रो को हर पेज के ऊपर बिना टाइप किए रिपीट कैसे करना है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये सारे सेटिंग सीखेंगे। आज का वीडियो आपके लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मेरे चैनल पे नए हो एंड ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास सेल्स का डेटा है जिसमें 7 कॉलम है एंड 40 जैसी रो है, एंड इस डेटा का सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो आप फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। मैं ऑफिस 2021 यूज कर रहा हूँ, तो इसमें इस प्रकार प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीवियस ऑफिस वर्जन में ये ऑप्शन अलग प्रकार से होता है। आप शॉर्टकट की का उपयोग करके भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस कीजिए, तो इस प्रकार हमको इस डेटा फाइल का प्रिंट प्रीव्यू शो कर रहा है, जो कि ठीक से सेट नहीं है। तो इसको ठीक से सेट करने के लिए पेज सेटअप पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे सारे डिफॉल्ट सेटिंग सेट किए हैं, जिसमें हम हमारी पसंद का सेटिंग देके इस डेटा का प्रीव्यू ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर, शीट। तो ये 4 ऑप्शन अगर आपने सीख लिए तो आप प्रिंट आउट निकालने के मास्टर बन जाओगे। सबसे पहले आप अपने डेटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेट कर सकते हो। हम यहाँ लैंडस्केप ऑप्शन सिलेक्ट करके चेक करते हैं। पेज हमारा पोर्ट्रेट में से लैंडस्केप हो गया है, लेकिन सारे कॉलम एक ही पेज पे सेट नहीं हो रहे हैं। तो फिर से पेज सेटअप में जाते हैं और जो स्केलिंग का ऑप्शन है उसमें एडजस्ट टू में परसेंटेज जो है उसको धीरे धीरे कम करते हैं। हम यहाँ 90% सेट करते हैं। इससे जूम इन जूम आउट जो होता है उस वाला इफेक्ट यहाँ पर इस ऑप्शन से आएगा, लेकिन अभी भी एक कॉलम आउट ऑफ जा रहा है। तो फिर से पेज सेटअप में जाते हैं एंड फिर से थोड़ा स्केलिंग कम करते हैं, तो इस बार सारे कॉलम एक ही पेज पे सेट हो गए हैं। फिर से पेज सेटअप में जाते हैं और ये जो फिट टू का ऑप्शन है वो क्या काम करता है वो देखते हैं। उसको सिलेक्ट करते हैं। ये ऑप्शन से हम इस डेटा को अगर एक ही पेज पे सेट करना हो तो हम यहाँ 1x1 सिलेक्ट करके ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा एक ही पेज में सेट हो गया है। अगर आपको लगता है कि एक या दो लाइन या एक या दो कॉलम इधर उधर आउट ऑफ जा रहे हैं, तो आप ये फिट टू का ऑप्शन सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा लाइन आउट ऑफ जा रही है तो आप एडजस्ट टू का उपयोग करके उसको सेट कीजिए। फिर से पेज सेटअप में जाते हैं और हम यहाँ से पेपर साइज जो है वो यहाँ से अलग अलग सेट कर सकते हैं, जैसे कि A3 साइज है, A4 साइज है, यहाँ से अलग अलग सेट कर सकते हैं। चलिए मार्जिन ऑप्शन के बारे में देखते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट या किसी सेक्शन के मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता एमएस एक्सेल में मार्जिन का क्या मतलब है, तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो जब डाटा आपके पेज पर प्रिंट होगा तो वह पेज के बिल्कुल लेफ्ट एंड से प्रिंट होता है। पहले थोड़ी जगह होती है और फिर डाटा प्रिंट होता है, और ऐसे ही राइट एंड पर भी थोड़ी जगह होती है, उसे मार्जिन कहा जाता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। इसमें हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो दो लाइन के बीच में स्पेस है वहाँ पे हेडर सेट होता है, और नीचे की तरफ जो दो लाइन है उसके बीच में फुटर सेट होता है। इसकी भी हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं हेडर एंड फुटर में। सेंटर ऑन पेज ऑप्शन, जिसमें दो ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये दोनों ऑप्शन दाएं बाएं ऊपर नीचे जो स्पेस होती है उसमें डेटा को सेंटर में एडजस्ट करता है। तो इन दो ऑप्शन में से आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। अब हेडर एंड फुटर ऑप्शन के बारे में देखते हैं। जैसे कि पेज नंबर है, शीट का नेम है, फाइल कहाँ पे सेव हुई है, उसका पाथ है, ये सारे ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके हेडर में सेट कर सकते हैं। इसमें से ये जो फाइल कहाँ पे सेव है, ये ऑप्शन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इससे फ्यूचर में कभी भी इस फाइल को मुझे फाइंड आउट करना है या प्रिंट चाहिए तो ये मैं इस पाथ से इस फाइल को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर हेडर के बजाय फुटर में आप पेज नंबर या फाइल पाथ सेट करना चाहते हैं,
तो यहाँ से आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जब इस प्रीव्यू में सेकंड पेज देखते हैं तो उसके ऊपर हेडिंग्स शो नहीं कर रहा है, तो इसको टाइप करने के बजाय ऑटोमेटिकली सेट करना हो, जैसे कि ये सेल्स डेटा लिखा है और ये जो कॉलम के टाइटल हैं वो ऑटोमेटिक सेकंड पेज पे रिपीट हो जाए। तो इसके लिए हम पेज लेआउट टैब में प्रिंट टाइल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो वही पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। यहाँ पे हमको रो रिपीट करवाना है, तो इसके लिए रोज टू रिपीट ए टॉप ऑप्शन में इस वाले एरो पे क्लिक कर लेंगे और जिन जिन रो को सेकंड पेज पे रिपीट करवाना है उसको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से इस एरो पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ली है, ओके कर लेना है। फिर से हम प्रीव्यू में चले जाएंगे और सेकंड पेज पे हम देख सकते हैं कुछ भी टाइप किए बिना कॉलम हेडिंग रिपीट हो रहा है। इसी तरह से अगर आपका डेटा कॉलम में ज्यादा है और एक पेज पे सारे कॉलम सेट नहीं हो रहे हैं और अगर आप एक या दो कॉलम हर सेकंड पेज पे रिपीट करवाना चाहते हैं, तो इसी तरह से पेज लेआउट में प्रिंट टाइल्स में ये जो कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट ऑप्शन है, इसमें आप वो कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, वो कॉलम आपके सेकंड पेज पे रिपीट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप पहले ये देख ले कि टॉप साइड में कोई भी रो मर्ज न हो। बहुत मर्तबा एक्सेल में काम करते वक्त इधर उधर कुछ टाइप हो जाता है और जब हम प्रीव्यू चेक करते हैं तो इस तरह से वो भी प्रीव्यू में शो करता है और इसके कारण हमारे पेज भी बढ़ जाते हैं। अगर हम ये फिक्स कर दे कि इतना ही डेटा हमें प्रिंट प्रीव्यू में दिखे या प्रिंट में निकले, तो इसके लिए सबसे पहले वो सारा डेटा सिलेक्ट कर लेना है जो हमें प्रिंट प्रीव्यू में या प्रिंट में चाहिए। डेटा सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में प्रिंट एरिया का जो ऑप्शन है उसमें सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो हमको उतना ही डेटा शो कर रहा है जितना डेटा हमने प्रिंट एरिया में सिलेक्ट किया है। अगर हमको इस डेटा में से 1 से 10 तक का ही डेटा प्रिंट प्रीव्यू में शो करवाना है या प्रिंट निकालना है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और पेज लेआउट में प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर प्रिंट प्रीव्यू में हम देख सकते हैं उतना ही डेटा हमें शो कर रहा है। तो इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से एमएस एक्सेल में पेज सेटअप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं और अपने पेज को सेट कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी सरल से सरल भाषा में दे सकूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। यदि आपका कोई सवाल है या आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।